हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी, करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। आज जो मूवी रिलीज हुई है उसकी काफ़ी ज़्यादा बल्ले बल्ले हुई है, और जो मूवी भी निकली है या अभी भी चलती चली जा रही है कल की, उसका भी बड़े बल्ले बल्ले चल रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे ख्याल से जो बैड न्यूज़ है वो मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा के लिए गुड न्यूज़ लेके आए हैं। वो गुड न्यूज़ क्या है, उससे पहले हम फटाफट से ये कैचअप कर लेते हैं कि जो बाकी मूवीज़ थी जो रिलीज़ हुई हैं रिसेंटली, उसका क्या हाल चाल है। तो ट्विस्टर आई थी, डे टू का जो कलेक्शन है वो करीबन करीबन 75 लाख है। तो 2 दिन का मिला के करीबन करीबन 1.5 करोड़ हो गया। ज़्यादा इसके टेकर्स नहीं है, ना ये मूवी मेरे ख्याल से इतनी इमोशनली आपको एंगेज करती है एक्सेप्ट विजुअल्स, कि आप पूरा मन लगा लो और बोलो कि ये मेरी प्रेफर चॉइस है। जो लोग विजुअल्स बहुत पसंद करते हैं हॉलीवुड के, वो ज़रूर सेटिस्फाई होंगे जब ये देखने जाएंगे। इंडियन टू का भी बुरा हाल हो चुका है। 8th डे के अंदर सिर्फ 1 करोड़ रुपये कमाएगी, 72 करोड़ हो चुका है और 122 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। जैसे हमने बात करी थी कि ये 80s में जाके अपना समापन कर लेगी। इंडिया के अंदर हम जब बात करें नेट कलेक्शन के अंदर, सरफिरा का कलेक्शन ऑल टाइम लो आज चला गया। डे 8 का कलेक्शन सिर्फ 50 लाख रुपये होगा, क्योंकि नई मूवी रिलीज़ हो गई है। तो 19 करोड़ जो है वो 19.5 करोड़ हो गया। ओवरऑल जो कलेक्शन है वो 27 करोड़ है। तो ये जो मूवीज़ अभी जो मैंने आपके लिए नाम लिए अभी, इंक्लूडिंग किल जिसका डे 15 है, वो करीबन करीबन 50 लाख रुपए, बल्कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल निकली 18.5 करोड़ रुपीज़ कर चुकी है। ऑलमोस्ट उतना ही जितना सरफिरा ने करा है, 1 करोड़ रुपये ऊपर नीचे। और जबकि इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो ज़्यादा है, वो करीबन 38 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो ये जो कलेक्शन है ये हम सैटरडे संडे तक कवर करेंगे, मंडे को इन सब का समापन कर देंगे और 2 क्रिटिकल मूवीज़ को हम कवर करेंगे। एक है बैड न्यूज़ जो कि अच्छी न्यूज़ लेके आई है, और एक है कल की जो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मूवी यहाँ पर बनी है। डे 23 का जो कलेक्शन है बहुत ही स्टेबल, नई रिलीज़ होने के बावजूद भी 3 करोड़ रुपये, वेरी नाइसली डन। कल तक 600 करोड़ कर लिए थे, जो कि 603 करोड़ है, और लगभग लगभग 1008 करोड़ रुपीज़ के आसपास हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हो चुका है। मेकर्स 1100 करोड़ के आसपास काम कर रहे हैं। ट्रेड का जो नंबर आया था वो लगभग लगभग अब 990 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गए, उनके नंबर के हिसाब से भी कल 1000 करोड़ हो जाएगा। हिंदी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 266 करोड़, और जो क्लोजेस्ट है वो है 271.5 करोड़ रुपीज़, जो कि तेलुगु है। मेरा मानना ये है कि शायद संडे इवनिंग तक और मंडे जब हम मॉर्निंग सारी कलेक्शन रिकनसाइल करके देखेंगे तो हिंदी तेलुगु वर्जन से आगे निकल जाएगा, लैंग्वेज के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से या फिर रीजन के हिसाब से नहीं। अब बात करते हैं जिस मूवी ने बिल्कुल सरप्राइज़ किया है, वो है बैड न्यूज़। काफ़ी ज़्यादा इसका बोल सकते हैं इसका डीमीन करने की भी कोशिश करी गई थी। ये भी बातें हुई थी कि कल्चरली ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये भी बोला कि भाई एक वुमन जो है शी स्लीपिंग अराउंड विद 2 मैन, ये सब इसके अंदर कुछ मूवी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये सब बहकाने वाली बात थी ट्रेलर से, ताकि आपका एक इंटरेस्ट लेवल जनरेट हो जाए। जो लोग देख के आए हैं उनको ये सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से फ्लो होते हुए नज़र आए, और जो इनकी केमिस्ट्री है और लाइट हार्टेड तरीके से एक मैसेज देती हुई फिल्म हमको ठीक लगती है, जिसकी वजह से डे 1 का जो कलेक्शन है 9.25 से लेकर 9.5 करोड़ रुपीज़ के ऊपर एंड करने वाला है। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर हिंदी सिनेमा एज वेल एज फॉर विकी कौशल, बिकॉज दिस establishes him as a very credible star। कि ऐसा नहीं है कि एक मूवी चल गई, दूसरी मूवी चल गई और फिर चौथी पांचवी मूवी के बाद कलेक्शन नहीं आ रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियरली दिखाता है कि लोगों को इनकी एक्टिंग के ऊपर भरोसा है और ये धीरे 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 और बैंकेबल बनते चले जा रहे हैं। तो ये मूवी अगर इसी हिसाब से जाएगी, जो कि कम्प्लीटली सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने भी आपको हायर साइड 7 करोड़ रुपीज़ का एस्टिमेशन बताया था बेसिस इसके एडवांस बुकिंग, कम्प्लीटली टेकन अ बैक जिस तरीके से अच्छे तरीके से गई है। गुड लक टू द फिल्म। मुझे लगता है कि कल और परसों में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से डबल डिजिट के अंदर जाएगी। एक दिन 12, 12.5 करोड़, 13 करोड़ रुपये का बिजनेस होगा, और अगले दिन इसी तरीके की अगर पसंद आती रही तो 15 करोड़ वाला भी दिन होगा। तो 15, 10 और 10, आप ये समझ लीजिए कि 25 और 27, 28 करोड़ रुपये का बिजनेस, बहुत लकी रही तो 30 करोड़ रुपए का बिजनेस फर्स्ट वीकेंड का बिजनेस होगा। तो ये मूवी बहुत सिग्निफिकेंट मानी जाएगी हिंदी सिनेमा के लिए एंड फॉर विकी कौशल एज आई सेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जैसे मैंने चैनल के वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक्चुअली मुझे आदत ही नहीं है ज़्यादा बोलने की कि चैनल सब्सक्राइब कर लो ये कर लो, हर एक बंदा बोलता है, तो मैंने भी सोचा कि मेरी भी ड्यूटी बनती है चैनल को बढ़ाया जाए और पॉजिटिविटी फैलाई जाए, मूवीज़ के बारे में बात किया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।